शुक्रवार को नगर पंचायत गोवर्धन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नगर को पॉलिथीन और गंदगी से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान गोवर्धन पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने परिक्रमा मार्ग में साइकिल चलाकर दुकानदारों से पॉलिथीन मुक्त और स्वच्छ अभियान में जुड़ने का संकल्प दिलाया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने लोगों से घरों से कपड़े का थैला बाजार में ले जाने का आह्वान किया। वहीं गोवर्धन बाबूलाल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान के प्रति रैली निकालकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कस्बा के सभी दुकानदारों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ अभियान में चलने का संकल्प दिलाया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने स्वच्छता अभियान के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। देखिए, 5 साल में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बहुत दिया है। अब उन्होंने स्वच्छता ही सेवा का जो अभियान, महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जो जयंती है उसको आधार मानते हुए स्वच्छता ही सेवा को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। इसमें हम सब लोग सहभागी बने। उन्होंने ब्रज की धरा भगवान कृष्ण की नगरी को चुना है और पोलोथीन और प्लास्टिक से मुक्ति का आह्वान वो कर रहे हैं। पोलोथीन हमारी गाय खा जाती है। गाय अगर स्वस्थ रहेगी तो हमारे जो बच्चे हैं जो गाय का दूध पीते हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। हमारी यमुना मैया है, हमारे यहाँ पवित्र जो सरोवर हैं, मानसी गंगा है, ये सब पवित्र रहेंगे। उस आह्वान का हम सब ब्रजवासी हिस्सा बने और 11 तारीख से जो आह्वान का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस आह्वान में हम लोग सब जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते देखे जाते हैं, मंत्री झाड़ू लगाते जाते हैं, लेकिन यहाँ मथुरा में जो DPRO हैं उनकी अन्यथाएं अपनी हैं और उनका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बताया गया है। ये आह्वान है हमारा, ये आह्वान है, इसमें सब सहयोग करें, सब लोग सहयोग करें। अभी हमारा आह्वान है सबके लिए, हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। हम आज संकल्प लें कि हम प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अधिकारी कोई कार्रवाई करें, उपयोग नहीं करेंगे, सब ध्यान में है। जहाँ जहाँ दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये अभियान, इस अभियान में हम दोषारोपण ना करें, अपनी जिम्मेदारी तय करें। हम संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।